सेकेंड आता है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट के अंदर कंसिस्ट द सोशल फोर्सेज लाइक ट्रेडिशन, वैल्यू, सोशल ट्रेंड, फैशन, विशेज, होप्स, लेवल ऑफ द एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये सभी के सभी किसके अंदर आते हैं? सोशल इन्वायरमेंट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं कि इसके अंदर दी सोशल वैल्यूज़ जो हैं वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो क्या करती हैं बिजनेस के अंदर क्या करती हैं, कैन नॉट बी ओवरलुक, जिसे ओवरलुक नहीं किया जाता। इसके अंदर क्या किया जाता है, बिजनेस के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स इफेक्ट डालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला क्या आता है, ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस में कहता है कि रेफर्स टू द सोशल प्रैक्टिस डेट हैव द लेस्टेड, जो हमारे पुराने जो रीति रिवाज हैं उनको हम फॉलो करते हैं, सच है जैसे दिवाली है, आपका क्रिसमस है, गुरुपुरब है, ये हमारे क्या हैं, ट्रेडिशंस। वैल्यूज़ में इट रेफर्स टू द कहता है कि मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो प्रिवेलिंग करती हैं सोसाइटी को, सच एज द फ्रीडम, सोशल जस्टिस एंड द इक्वलिटी। सोशल ट्रेंड के अंदर जनरली चेंजिंग आती है डेवलपमेंट में समाज के अंदर रहते हैं, तो हम लोग क्या चाहते हैं, हेल्थ हो, फिटनेस हो अमंग द अर्बन ड्वेलर्स। फिर आता है इम्पैक्ट, बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या इम्पैक्ट आता है। फर्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल्स होते हैं हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर, जिसे क्या मिलता है, अलग अलग बिजनेस के अंदर लोगों को क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी। इंडिविजुअल फ्रीडम आता है वैल्यू के अंदर, क्या करते हैं, चॉइस मिल जाती है उनको, फ्रीडम चॉइस करने की क्या मिल जाती है कि कौन सी जगह से क्या क्या वस्तुएँ खरीदनी है। सोशल जस्टिस में इसके अंदर क्रिएट होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस के अंदर। इक्वलिटी में क्या है कि हम क्या करते हैं, एंटरप्राइज के अंदर इक्वल रेमुनरेशन देते हैं, चाहे कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, सभी इम्प्लॉय सेम वर्क पे काम कर रहे हैं तो उनको सेम क्या मिलेगी, रेमुनरेशन। हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर कहते हैं ट्रेंड के अंदर क्रिएटेड करते हैं डिमांड फॉर द जिम एंड द मिनरल वाटर। अब आगे आते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर। टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट के अंदर कहता है कि आप क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं इनोवेशंस को, नई नई टेक्निक्स को जो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को एंड ऑपरेटिंग द बिजनेस। टेक्नोलॉजी चेंजिंग आती है, समथिंग बेटर करती है कस्टमर के लिए, ये क्या क्रिएट करती है, थ्रेट ऑफ द बिजनेस एंड द अपॉर्चुनिटी लेकर आती हैं, जिसके अंदर बिजनेस के अंदर हम बंद आंखों से टेक्नोलॉजी चेंजेस के अंदर क्या करते हैं, उस प्लेस को, फील्ड को इसमें स्थापित कर देते हैं। एक बिजनेसमैन क्या करता है, बहुत अच्छे तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है ताकि बिजनेस के अंदर थ्रेटन्स क्या हो उसके एग्जिस्ट हो। एलिमेंट्स क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो नई हमें प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज की डिस्कवरी करने में मिल जाती है, दूसरा नई मेथड्स ऑपरेट करने में आसानी हो जाती है। फिर क्या आता है, इम्पैक्ट क्या है टेक्नोलॉजी के अंदर, कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर कहते हैं आज के टाइम में मार्केट के अंदर क्या हुआ है, पुराने टीवी की जगह पर क्या हो गया, नए टीवी आ गए हैं, सिनेमा हॉल और रेडियो इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या होगा, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। ऐसे ही आप यदि देखते हैं फोटोस्टेट मशीन मार्केट में आई है तो कार्बन पेपर जो हमारे इंडस्ट्रीज के ऊपर है उसके ऊपर सेटबैक लगा है, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। इसी तरह बेटा जी सिंथेटिक थ्रेड जो हमारे मार्केट में आया तो क्या हुआ, कॉटन इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या हुआ, इसका इफेक्ट पड़ा। डिजिटल वॉच जैसे ही आई मार्केट में तो पुराने जितने भी ट्रेडिशनल वॉच थे उसके ऊपर क्या हुआ, इसका गहरा असर पड़ा।